Hello students, welcome to English class. Today we are going to start with English Bal Bharati lesson number 22, that is the poem The Champa Flower. Students, this is a short story type poem. I hope you will enjoy it a lot. So listen it very carefully. First I will recite the poem. You can also recite after me the poem. Okay, now pay attention. The Champa Flower. Supposing I became a champa flower just for fun and grew on a branch high up that tree and shook in the wind with laughter and danced upon the newly budded leaves. Would you know me, mother? Would you call, baby, where are you? And I should laugh to myself and keep quite quiet. I should shyly open my petals and watch you at your work. When after your bath, with wet hair spread on your shoulders, you walk through the shadow of the champa tree to the little court where you say your prayers. Would you notice the scent of the flower, but not know that it came from me? When after the midday meal, you sat at the window reading Ramayana and the tree's shadow fell over your hair and your lap, I should fling me my wee little shadow onto the page of your book just where you were reading. But will you guess that it was the tiny shadow of your little child? When in the evening you went to the cowshed with the lighted lamp in your hand, I should suddenly drop onto the earth again and be your own baby once more and beg you to tell me a story. Where you have been, you naughty child? I won't tell you, mother. That's what you and I would say then. So students, this is a imaginative poem. मतलब यहाँ पे अब देखो चंपा फ्लावर है, इट्स अ फ्लावर, और यहाँ पे एक छोटा चाइल्ड है इस पोएम में जो इमेजिन कर रहा है उसकी थिंकिंग में कि अगर मैं चंपा फ्लावर बन जाता तो वो क्या क्या करता और उसकी मॉम को वो कैसे सताता जस्ट फॉर फन, ये सब आपको बताया. ओके, इन दिस पोएम वी आर गोइंग टू रन. अभी कभी कभी होता है ना, हम लोग भी, आप जब छोटे थे या हम भी छोटे, हम सोचते ना कितना अच्छा होता अगर चॉकलेट की रिवर्स होती तो हम उस रिवर में कितनी सारी चॉकलेट खाते, कितना अच्छा होता अगर क्लाउड्स पर घर होता. तो ये एक्चुअल में तो नहीं होता है ना, ये सब हमारी इमेजिनेशंस है. कभी कभी हम ये इमेजिन करके खुश भी होते हैं ना, और कभी कभी हमको इसका ड्रीम भी होता है कि हम हर जगह देख रहे हैं सिर्फ चॉकलेट की रिवर्स दिख रही है, या फिर आप क्लाउड्स में खेल रहे हो या फिर बर्ड्स की तरह उड़ रहे हो. तो ये सब क्या होती है, हमारी इमेजिनेशन होती है. सेम वे आप ही किसी इस पोएम में एक छोटा बच्चा है जो कि ये सब इमेजिन कर रहा है जो इस पोएम में उसने कहा है. वो एक दिन क्या कहता है कि अगर कितना अच्छा होता अगर मैं चंपा फ्लावर बन जाता सिर्फ ऐसे ही मस्ती करने के लिए, तो क्या होता, मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं चंपा फ्लावर की एक ब्रांच, एक टहनी पे उग रहा होता. एंड शूक इन द विंड विद लाफ्टर. ओके, वो कह रहा है हवा के साथ में क्या करता, लहराता. और ऐसे लगता है ना कि विंड जब ये हवा आती तो हमें क्या लगता है कि पेड़ हंस रहे हैं क्योंकि वो बहुत हिलते डुलते हैं. एंड डांस अपॉन द न्यूली बर्डेड लीव्स. न्यूली बर्डेड लीव्स मीन्स वॉट, जो नए लीव्स आते हैं पेड़ पे तो वो कैसे दिखते हैं, एकदम शाइनिंग दिखते हैं ना अलग. तो वो सोच बोल रहा है बच्चा कि मैं नई लीव पर ऐसे डांस करता, ठीक है. और फिर वो बोल रहा है कि अगर मम्मा देखती भी, मतलब उसकी मॉम उस पेड़ की तरफ देखती भी कि पेड़ हिल रहा है कितनी अच्छी हवारी, तो क्या मम्मा को पता चलता कि वो मैं ही हूँ. वुड यू कॉल बेबी वेयर आर यू. फिर बाद में क्या होता अगर वो नहीं दिखता मम्मा को घर पे, तो मम्मी सोचती ना कि कहाँ पर है मेरा बच्चा, कहाँ गया. तो फिर वो बोल रहा है बच्चा यहाँ पे कि मैं तो सुनूंगा मम्मा को, मैं देख भी सकता हूँ, मैं मम्मा को दिखूंगा ही नहीं. तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं खुद पर ही हंसूँगा और मैं चुप रहूँगा और मैं मम्मी को नहीं बताऊँगा कि मैं तो यहाँ चंपा फ्लावर बन गया. ओके, आई शुड शाइली ओपन माई पेटल्स एंड वॉच यू एट योर वर्क. फिर वो क्या बोल रहा है, पेटल्स क्या होता है, पंखुड़ी होती है, ठीक है. शायली मीन्स वॉट, इन अ नोइंग और अ सीक्रेट मैनर, मतलब चुपके से मैं अपने पेटल्स खोलता और आपको देखता कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन वो नहीं बताता कि मम्मा मैं यही हूँ. व्हेन आफ्टर योर बाथ, मतलब जब उसकी मम्मी नहा लेती है तो फिर क्या होता है, विथ वेट हेयर स्प्रेड ऑन योर शोल्डर्स यू वॉक थ्रू द शेडो ऑफ द चंपा ट्री.
टू द लिटिल कोर्ट वेयर यू से योर प्रेयर्स, होता है ना मम्मा, देखो जब मम्मी लोग नहा लेते घर के बड़े लोग, तो अगर आपके घर के आंगना होता है उसमें फिर पूजा करते, तो वही बोल रहा है बच्चा कि जब तुम आते वहाँ पर, ठीक है, प्रेयर के लिए गीले बाल लेकर ऐसे बिखरे हुए, तो वुड यू नोटिस द सेंट ऑफ फ्लावर बट नॉट नो दैट इट कम फ्रॉम मी. अब उनके घर के पास ही तो चंपा फ्लावर था, तो वो मम्मी को अपने पूछ रहा है कि वो जो उसकी पेड़ की फूलों की खुशबू होती, तुम खुशबू को क्या महसूस कर पाती कि वो जो खुशबू आ रही है वो मुझ में से आ रही है, फ्लावर की नहीं है. वैन आफ्टर द मिड डे मील, मिड डे मील मतलब क्या, लंच के बाद, यू सैट एट द विंडो रीडिंग रामायण. उसकी मदर क्या करती है, खाना खाने के बाद खिड़की के पास, विंडो के पास बैठ कर क्या करती है, रामायण रीड करती है. एंड द ट्री शेडो फेल ओवर योर हेयर एंड योर लैप, और जब तुम्हारे ऊपर पेड़ की छाव पड़ती, आई शुड फ्लिंग माई वी लिटिल शेडो. फ्लिंग मीन्स वॉट, थ्रो, और वी मीन्स क्या है यहाँ पे, वेरी स्मॉल. वो अपनी छोटी सी शेडो उस बुक पर डालता जहाँ पे आप रीड कर रही होती, जस्ट टू डिस्टर्ब हर मदर, मतलब अपनी मम्मी को परेशान करना चाहता था, ठीक है. बट वुड यू गेस दैट इट वॉज द टाइनी शेडो ऑफ योर लिटिल चाइल्ड. फिर वो पूछता है अपने आप से कि क्या मम्मा पहचान पाएगी कि जो शेडो फूल की पड़ रही चंपा फ्लावर की, वो मेरी शेडो है. वैन इन द इवनिंग यू वेंट टू द काउ शेड विद द लाइटेंड लैम्प इन योर हैंड. यहाँ पे बताया कि जब मम्मी उसकी काउ शेड, जहाँ पे काउज रहते हैं, रखे जाते हैं गाय को, वहाँ जाएगी लैम्प लेकर उनके हैंड में, ठीक है. आई शुड सडनली ड्रॉप ऑन टू द अर्थ अगेन, तो फिर वो जल्दी से चुपके से क्या होगा, वापस से आ जाएगा ज़मीन पर घर के पास. एंड बी योर बेबी वंस मोर, फिर वो वापस से मतलब बच्चा बन जाएगा अपनी मम्मी का. एंड बेग यू टू टेल मी अ स्टोरी, और मम्मी के पीछे पड़ेगा, उनको रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे स्टोरी सुनाओ. वेयर यू हैव बीन यू नॉटी चाइल्ड, फिर उसकी मम्मा उसको पूछेगी कि तुम कहाँ थे, तुम इतने नटखट मस्ती करते हो दिन भर से. आई वोंट टेल यू मदर, फिर वो बोलेगा कि मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं नहीं बताने वाला हूँ. दैट्स वॉट यू एंड आई वुड से देन, फिर वो सोचता है कि जैसे मैं आ जाऊँगा घर में, मम्मी मुझे अचानक से देखिए यही पूछेगी ना कि तुम कहाँ थे, और फिर मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं नहीं बताऊँगा, और फिर यहाँ पे ही हमारी बातें ख़त्म हो जाती है, ठीक है. तो ये पोएम में उस बच्चे ने मतलब सिर्फ एक मस्ती करने के लिए एक अपनी छोटी सी मतलब इमेजिनेशन रखी, मतलब रियल में वो कुछ नहीं हो रहा है, बट वो इमेजिनेशन में सोच रहा है ट्री को देखकर. कभी कभी हम भी ऐसे इमेजिनेशन में चले जाते हैं ना, सोचते कोई मूवी देखते, कोई कार्टून देखते, कोई जादू होता तो हम सोचते ना काश ये हमारे पास भी होता तो हम ऐसे करते वैसे करते. दैट इज़ अवर इमेजिनेशन बट नॉट इन रियल, ओके. और यहाँ पे जो देखो फोटो में दिख रहा है चंपा फ्लावर, वो चाइल्ड खुद को यही इमेजिन कर रहा है कि मैं ऐसा चंपा फ्लावर होगा, कितना मजा आएगा, मैं मम्मा को उल्लू बना दूंगा. सो दिस इज द पोएम, ओके. वंस अगेन लेट्स समराइज द पोएम. द चंपा फ्लावर. This is a very imaginative poem. The child in the poem imagines what would happen if she became a champa flower just for fun. She would grow on a branch high up in the tree and shake with laughter in the wind. She would dance upon the new young leaves. She asks her mother whether she would then know her. Her mother would call out, "Baby, where are you?" But she would laugh to herself and keep quiet. She would shyly open her petals and watch her mother doing her work. When her mother, after her bath, with her wet hair spread on her shoulders, would walk through the shadow of the champa tree to the little courts where she said her prayers, she would notice the scent of the flower. However, she would not know that it came from her little child. When the mother, after the midday meal, sat at the window reading the Ramayana and the tree shadow fell over her hair and her lap, the child would fling her own small shadow onto the page of the book the mother was reading. But once again, would the mother be able to guess that tiny shadow was that of her little child? When in the evening the mother went to the cow shed, the child would suddenly drop onto the earth again and beg her to tell a story. At that time, the mother would ask, "Where have you been, you naughty child?" But the child would refuse to tell the mother where she had been. Okay, let's learn the meanings of this poem. Newly budded leaves, meaning new and tender leaves. Shyly,
in a knowing secret manner. Fling, throw, very little means very small. Thank you for watching this video. I hope you all had enjoyed this poem a lot. Bye bye. Take care. Have a nice day.